लॉकडाउन में बेरोजगार हो रहे टीवी एक्टर्स इस वक्त बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। एक्टर मनमीत सिंह के खुदकुशी के मामले ने इसे और बड़ा बना दिया है। मनमीत के खुदकुशी के बाद नागिन की एक्टर निया शर्मा ने भी इस बात का खुलासा किया कि उनके भी कई दोस्त फिलहाल ऐसे ही हालातों से गुजर रहे हैं। इतना ही नहीं, निया के अलावा नागिन की एक और एक्ट्रेस सयंतनी घोष ने भी कुछ वक्त पहले इस बात का जिक्र किया था कि लॉकडाउन की वजह से वो कई तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रही हैं और उन्हें ईएमआई चुकाने में भी मुश्किल आ रही है। हालांकि सयंतनी ने कहीं भी खुदकुशी जैसे कायराना एक्ट की बात नहीं कही थी, लेकिन उन्होंने खुद ये बताया था कि वो कई तरह की परेशानियों से जूझ रही हैं। वहीं मनमीत की खुदकुशी के साथ ही टीवी शो हमारी बहू सिल्क की टीम की तरफ से जब अपनी जान देने की बात सामने आई और उन्होंने पेमेंट ना मिलने की अपनी प्रॉब्लम का जिक्र किया गया तो समझ में आया कि मुश्किल कितनी बड़ी है। लेकिन क्या ऐसे में खुदकुशी ही इकलौता उपाय है? क्या जान दे देने से सारी मुश्किलों का हल हो जाएगा? इंडस्ट्री में एक्टर्स की खुदकुशी बढ़ रही घटनाओं के बीच अब ऐसे में मशहूर टीवी एक्टर करण पटेल ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। करण पटेल ने साफ कहा है कि खुदकुशी ऐसी समस्याओं का हल नहीं है। इसके लिए करण ने बकायदा एक फेसबुक पोस्ट लिखी है। करण ने अपनी पोस्ट में लिखा है, पंखे से लटक कर मरने का ख्याल एकदम कायराना है, क्योंकि आप ये फैसला करने से पहले अपने परिवार में टूटने वाले दिलों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। करण पटेल हमेशा से इन मुद्दों पर काफी एक्टिव रहे हैं और खुदकुशी जैसे इश्यूज पर पहले भी काफी कुछ बोलते रहे हैं। करण पटेल के मुताबिक खुदकुशी करने वाला तो इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन अपने पीछे जो रोते हुए लोगों को छोड़ देता है उन्हें देखना काफी दुखद होता है। करण पटेल एक बेहद इमोशनल और सेंसिटिव एक्टर हैं। वो पहले भी आत्महत्या के खिलाफ काम करने वाली संस्थाओं से जुड़े रहे हैं। ऐसे में जब वो इंडस्ट्री में ही किसी को मौत को गले लगाने की खबर सुनते हैं तो अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाते।